रात को सोते समय लहसुन खाएं, 3 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, अक्सर आपने YouTube पे, इंटरनेट पे लहसुन खाने से संबंधित, गार्लिक खाने से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, जहां पर आपको बताया जाता है कि लहसुन अगर आप रात को सोते समय खाते हैं तो उसके यह फ़ायदे होते हैं। सुबह कच्ची कली अगर आप लहसुन की चबा करके हल्के गुनगुने पानी के साथ खाते हैं तो आपको यह फ़ायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप डेली प्रयोग कर रहे हैं यूट्यूब की वीडियोज़ को देखने के बाद, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हमारी आयुर्वेद की किताब जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा था अष्टांग हृदयम, उसके अनुसार दोस्तों लहसुन का डेली प्रयोग करने वाले लोगों के ब्रेन में, यानी कि दिमाग में, ब्लड स्टिमुलेशन बहुत तेज हो जाती है और जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं दोस्तों बहुत पतली होती हैं, वहां पे ज्यादा खून नहीं जाना चाहिए हमारे बाकी शरीर के मुकाबले। अगर आप डेली बेसिस पे लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं तो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको ये बहुत ही गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, लहसुन के बहुत गजब के फायदे होते हैं, जैसे कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सेक्सुअल कमजोरी को कैसे ये दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है उसको कैसे ठीक करता है। सबसे बड़ी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको कैसे बूस्ट करता है। दोस्तों, 2 से 3 गुना 1 महीने के बूस्ट करता है। लेकिन दोस्तों, खाने का सही तरीका पता होना चाहिए, हफ्ते में कितने दिन, कितनी बार और किस तरह से, ब्लड को पतला करने में, बीपी को कंट्रोल करने में, डायबिटीज को सही करने में, कोलेस्ट्रॉल को सही करने में, हार्ट की प्रॉब्लम्स को सही करने में लहसुन एक औषधि की तरह, एक मेडिसिन की तरह काम करता है। तो सही तरीका आज इस वीडियो के माध्यम से जानिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जिसको कहते हैं, उसको बूस्ट करने के लिए आपको लहसुन का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए हफ्ते में। दोस्तों, हफ्ते में 3 दिन, कोई भी आप हफ्ते में, वीक में 3 दिन चुन सकते हैं, एक एक दिन छोड़ करके। अगर आप रात को सोते समय देसी लहसुन की कली, एक तो दोस्तों जो खाने वाली, तड़के लगाने वाली मार्केट में लहसुन की कली आती है, उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं। जो देसी पहाड़ी लहसुन की कली होती है उसको अगर आप रात को सोते समय शहद के बीच में डालते हैं, और थोड़ी सी 1 से 2 काली मिर्च भी शहद के बीच में डालते हैं, 1 चम्मच की मात्रा में दोस्तों शहद के साथ में सुबह उठ करके इस लहसुन की 1 कली का और साथ में दोस्तों 1 से 2 काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, तो ये दोस्तों इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। डेली इसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, और दोस्तों 1 महीने के बाद इस दोस्तों औषधि के सेवन को आपको रोक देना चाहिए। आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली 1 महीने में बूस्ट हो ही जाती है। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, आपको पता है अभी बहुत ही भयंकर महामारी चल रही है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये दोबारा वापस नहीं आएगी कोरोना वायरस, तो इसमें दोस्तों जिन लोगों की उम्र ज्यादा है या फिर जिनकी कम भी है, अगर आपको लगता है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, तो दोस्तों इम्यूनिटी को बहुत ही गजब के तरीके से विद इन वीक अगर आप बूस्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट जरूर खरीदें। इसके बीच में दोस्तों बहुत ही गजब की पहाड़ी गुप्त जड़ी बूटियां, हिमालयन गुप्त जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं, जैसे कि दोस्तों पपाया के जो लीव्स होते हैं, यानी कि जो पपीते के पत्ते होते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट इसके बीच में मिलाया गया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से दिखता है। इसके अलावा दोस्तों इसके बीच में बेजल लीव्स, यानी कि दोस्तों जो तुलसी के पत्ते होते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। पुनर्नवा इसके बीच में, गिलोय इसके बीच में, आप जानते हैं कि गिलोय इम्यूनिटी को कितने तेज से बूस्ट करने में हेल्प करता है। फेनिग्रिक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने इसके बीच में है। अनार का दोस्तों एक्सट्रैक्ट इसके बीच में है। गोट का मिल्क, दोस्तों गोट का जो मिल्क होता है उसका जो पाउडर होता है, या फिर जो बकरी का दूध होता है, वो इतनी तेज से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों कर्क्यूमिन, जो कि हल्दी के बीच में पाया जाता है दोस्तों, वो भी इसके बीच में मिलाया गया है। दोस्तों
में आप देख सकते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में आता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसकी एक टैबलेट आपको सुबह उठ करके हल्के गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करनी है। इसको आप डेली बेसिस पे प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही गजब के तरीके से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। अगर आप ये एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की और इनके वेबसाइट की एनवेदा की जो लिंक दिख रही है, साथ में स्क्रीन में जो नंबर दिख रहे हैं, इन पे कॉल करके या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप ये इम्यूनिटी बूस्ट एनवेदा का मंगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लहसुन खाने के अगले फायदे के बारे में बात करें तो जिनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपका ब्लड बहुत ही ज्यादा थिक हो गया है, मोटा गाढ़ा हो गया है, आपको ब्लड को थिन रखना बहुत जरूरी है, जिसको खासकर हार्ट की समस्याएं रहती हैं, है ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो उसमें दोस्तों अगर आप कच्चे लहसुन की कली, खासकर पहाड़ी लहसुन की कली अगर सुबह उठ करके प्रयोग करते हैं हफ्ते में 3 से 4 दिन तो बहुत गजब का होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, डेली बेसिस पे अगर आप खा रहे हैं लहसुन तो आपको बहुत भयंकर नुकसान करता है, गुस्सा बहुत अधिक आएगा, आपकी सोचने की और चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। आध्यात्मिक अगर आप रुचि रखते हैं, परमात्मा की तरफ अगर आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको कभी भी लहसुन का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है, कंसंट्रेशन को वीक करने में मदद करता है। लेकिन जो लोग मरीज हैं दिल के, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ये मेडिसिन की तरह काम करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बैड, खासकर कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, उनके लिए बहुत गजब का काम करता है। खून यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन को, रक्त के संचार को दोस्तों बहुत ही अच्छा करने में ये गजब के तरीके से काम करता है। पेट को दोस्तों साफ रखने में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों जिनकी वीर्य की कमी शरीर में बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, यानी कि दोस्तों जो पुरुष बहुत ही ज़्यादा अपना वीर्य नाश कर चुके हैं, उनका वीर्य बढ़ाने में बहुत गजब के तरीके से मदद करता है। लेकिन आपको कुछ साथ में एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए, खासकर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, वीर्य की कमज़ोरी है, शारीरिक कमज़ोरी है, दुर्बलता, थकान रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, दिल से संबंधित रोग रहते हैं, तो आपको दोस्तों लहसुन खाने के साथ साथ में एक हठ योग की प्रक्रिया होती है जिसको सूर्य क्रिया कहते हैं, उसको डेली बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए। सूर्य क्रिया दोस्तों आप ईशा फाउंडेशन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सदगुरु, वहाँ से जा करके उनकी वेबसाइट में हर भारत के शहर में ईशा फाउंडेशन के हठ योगा टीचर्स होते हैं, उनको दोस्तों कॉन्टैक्ट करके आपके सिटी में जो अवेलेबल है उसको अपने घर पर बुला करके सूर्य क्रिया आप सीख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, खाली लहसुन खाने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज, खासकर सूर्य क्रिया अगर आप नहीं करते हैं, देखिए सूर्य क्रिया, सूर्य नमस्कार अलग चीज़ होती है, सूर्य क्रिया अलग चीज़ होती है जो कि बॉडी को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है, खासकर इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारी हार्ट हो गई, हमारे फेफड़े हो गए, हमारे लंग्स हो गए, लीवर हो गई, किडनीज हो गई, इनको दोस्तों स्ट्रांग बनाती है सूर्य क्रिया। तो बहुत ज़रूरी है लहसुन के प्रयोग के साथ साथ में सूर्य क्रिया अवश्य करें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लहसुन के अगले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये दोस्तों चेहरे पे चमक लाने में भी मदद करता है, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 दिन और साथ में शहद के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये चेहरे पे चमक लाने में बहुत ही गजब के तरीके से काम करता है, उम्र को लंबा करने में भी मदद करता है। लेकिन फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, लहसुन का, गार्लिक का उन लोगों को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि सतर्क रहना चाहते हैं, ध्यान बढ़ाना चाहते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है, नर्वस सिस्टम को वीक करता है, कंसंट्रेशन को वीक करता है, इसके अलावा सोचने और समझने की क्षमता को वीक करता है, चीजों को महसूस करने की क्षमता को कमजोर करता है। तो एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको शारीरिक कोई भी समस्या नहीं है तो लहसुन का प्रयोग करना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। तड़के में भी लहसुन का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, भोजन में भी आपको लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं। इसके अलावा आपको एक और मैं अगर लहसुन का, गार्लिक का बेनिफिट बताऊं, जिन लोगों को हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने की समस्या होती है, उनके लिए भी दोस्तों लहसुन की कली रात को सोते समय अगर आप दूध में पका करके हफ्ते में 1 दिन लेते हैं और साथ में सूर्य क्रिया डेली बेसिस पे करते हैं, 1 दिन कोई भी चुन लीजिए, संडे चुन लीजिए, दूध में पका करके लहसुन को लीजिए, 1 कली की मात्रा में, उससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, और देसी पहाड़ी लहसुन की कली होनी चाहिए, बड़ी वाली। और दोस्तों
रोज सुबह और शाम सूर्य क्रिया आपको करनी ही करनी है। जिनको जोड़ों में, घुटनों में, हाथों पैरों में दर्द है, उनके लिए लहसुन इतना गजब का होता है, गार्लिक इतना अच्छा होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो लहसुन के फायदे के बारे में जानकारी हासिल करके आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। लहसुन के बारे में, गार्लिक की, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।